दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों मुझे पता नहीं इस वीडियो को कब डिलीट करवा दिया जाए या ये वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया जाए, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं इस वीडियो को तो अच्छी बात है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं सभी शिक्षकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों जब हम लोग छोटे थे तो हमें ये बताया जाता था कि जो गुरु होते हैं, जिनसे हम पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, जब भी हम उनसे मिलें तो उनको पैर छू के प्रणाम करें। और जब ये हमारे ज़िंदगी में, हमारे दुनिया में ये कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजीज़ इतने बड़े बड़े बिजनेस नहीं थे, उस समय में भी शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो चीज़ था जिसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया था। तो कहीं ना कहीं गुरु की जो एक प्रतिष्ठा है, गुरु का जो एक रिस्पेक्ट है, वो आज ही नहीं बल्कि पुरातन काल से चला आ रहा है। लेकिन इस बीच समय एक ऐसा आ गया है आज की दुनिया में जब गुरु को गुरु की नज़र से नहीं देखा जा रहा है। गुरु को जब गुरु दक्षिणा देने की बात आती है तो सरकार अपना हाथ मोड़ने लगती है। तो वही बात अभी जो नियोजित शिक्षकों के साथ बिहार में हो रही है, समान काम समान वेतन की मांग हो रही है, इसमें क्या गलत है? नियोजित शिक्षक आज के समय में, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप खर्चे जानते हैं, लोगों के दायित्व जिम्मेदारी जानते हैं। उस समय में एक शिक्षक विद्यालय में पढ़ा रहा है और समान काम समान वेतन की मांग कर रहा है और उसे हाईकोर्ट भी जायज ठहरा रहा है, उसे क्लीन चिट दे रहा है, उसके बाद भी सरकार उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहती है और वहां से उसे खारिज करवाना चाहती है और चाहती है क्या कि वो मांग ना रहे। दोस्तों जब जो भी आज बड़े लीडर के पोस्ट पे बैठे हैं, उनके भी गुरु ने जब उन्हें पढ़ाया होगा तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जब ये बड़े होंगे, जब ये किसी अच्छे पोस्ट पे जाएंगे तो एक गुरु के लिए ऐसा सोचेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी शिक्षक सैलरी उठाते हैं, मुझे लगता है कि वो गुरु दक्षिणा लेते हैं, क्योंकि जो काम शिक्षक करते हैं ना तो कोई वो पॉलिटिकल लीडर कर सकता है, ना तो कोई बिजनेसमैन कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि हर एक इंसान जो भी आज जिस भी कदम पे है, जिस भी पोस्ट पे है, कितने भी बड़े जगह पे क्यों ना हो, एक गुरु के कारण नहीं है। और उस गुरु को जब सैलरी देने की बात आती है, गुरु दक्षिणा देने की बात आती है, उनका जो भत्ता है, उनकी जो मतलब जो उनको चाहिए, जो उनके लिए वाजिब है, वो देने की बात आती है, तो यहाँ पे तरह तरह की बातें होने लगती है। ऐसे समय आ जाता है कि गुरु को रोड पर आ जाना पड़ जाता है, शिक्षकों को सड़क पर आना पड़ता है, हड़ताल करना पड़ता है, धरने देने पड़ते हैं, शिक्षकों की मौत हो जाती है, घर में उनकी स्थिति खराब हो जाती है, खर्चे नहीं चल पाते हैं, आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है, लेकिन जो आलाकमान बैठे हुए हैं उनके कान में जू तक नहीं रेंगती है। क्या समय आ गया है आज, निश्चित ही ये चीज़ जो भी बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, जो चीज़ इस चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं, उनको एक बार जरूर इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए कि आखिर वो भी किसी गुरु के ही विद्यार्थी रहे हैं। तो आज के समय के जो गुरु हैं उन्हें किस सम्मान से, किस रेस्पेक्ट से, और उनका जो वाजिब हक है उन्हें देने में अगर वो कतराते हैं तो आखिर हम किधर जा रहे हैं, हमारा समाज किधर जा रहा है, हमारी सोच किधर जा रही है। बात यहाँ पे पैसे की नहीं है, बात जिस सदी में हम जी रहे हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं, उस समय का जो रिक्वायरमेंट है, उस समय का जो खर्चा है, उसके लिए ज़रूरत है, समान काम समान वेतन की ज़रूरत है, और ये चीज़ मिलना ही मिलना चाहिए। शिक्षक विद्यालय जाते हैं, पढ़ाते हैं, और कितना मेहनत लगता है एक शिक्षक को विद्यालय जाकर बच्चों के साथ जुड़ने में, बच्चों को पढ़ाने में, और वहाँ पे अगर वो समान वेतन की मांग करते हैं तो यहाँ पे जो आलाकमान है, जो बड़े लोग हैं, उनको परेशानी हो जाती है। जबकि उन शिक्षकों के साथ बड़े बड़े संघ के लोग, बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस चीज़ों को समझ रहे हैं, जिनके दिल में गुरु के प्रति अहमियत है, वो इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग सरकार में बैठे हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि वो जो चुन के आए हैं, वो इन्हीं के बीच से चुन के आए हैं, इन्हीं लोगों के सपोर्ट से भी चुन के आए हैं, लेकिन सरकार को कोई भी बात बोलते समय भी ये बात ध्यान में नहीं रहती है कि वो एक गुरु को इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कई लोगों का भाषण सुना हूं और देखा भी हूं।
कि गुरु को वो किस तरीके से उनसे बात करते हैं। एक बात तो जरूर उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि जिस गुरु को वो इस तरीके के लहजे में बात करते हैं, ये सब बातें बोलते हैं, वो भी आखिर किसी न किसी गुरु से पढ़े हैं, और आज जो उनके सामने में खड़े हैं वो भी एक शिक्षक हैं, एक गुरु हैं। तो उनके लिए क्या सम्मान होना चाहिए, क्या रिस्पेक्ट होना चाहिए, और उनके जरूरत को किस तरीके से समझना चाहिए, ये चीज आज सोचने का विषय है। हम सब आज जहां पर भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, कोई चाहे लीडर हो, कोई बड़े पोस्ट पे हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहा हो, एक गुरु के वजह से ही है। जहां से कि बच्चों के जीवन का सृजनात्मक विकास होता है, लाइफ का स्टार्टिंग होता है, वहां से बच्चे आगे बढ़ते हैं और बड़े होकर आज हमारे जैसे, आपके जैसे, या किस जिस भी पोस्ट पे हो, लोग उस पोस्ट पे आते हैं। और आए दिन चूंकि सरकार को ऐसा लगता है क्या कि जो चाबी है, जो शिक्षकों की चाबी है, वो उनके हाथ में है। आए दिन तरह तरह के काम, चाहे वो जनगणना हो, घरगणना हो, चाहे कहीं पर कोई बाढ़ पीड़ित में मदद करने के लिए हो, या कहीं पर भीड़ इकट्ठा करना हो, या कहीं पर कोई भी तरीके का काम हो, सरकार गुरु को ही ड्यूटी पर लगाते हैं, शिक्षकों को ही ड्यूटी पर लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनसे वो जो है हर तरह के काम करवा सकते हैं जो वो चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि गुरु उनके नौकर हैं। और ये काफी शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज के इस समय में एक गुरु के प्रति ऐसी प्रवृत्ति बनती जा रही है। तो दोस्तों, एक जो शिक्षकों के प्रति आते समय में, आए दिन अभी आपको पता होगा कि एक नया नियम निकला था कि जो भी लोग शौचालय जाते हैं, खुले में शौच करते हैं, गुरु उन पर निगरानी रखेंगे। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया विरोध के बाद, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपको शर्म नहीं आई? ये सब बात बोलते हुए, इन सब तरह की डिसीजन लेते हुए भी आपको शर्म नहीं आए कि आप गुरु को, एक शिक्षक को, आप किस तरीके की, मतलब मुझे बोलने में भी खराब लग रहा है दोस्तों। तो एक गुरु के प्रति आप एक ऐसा व्यवहार रखते हैं, ऐसा सोचते हैं, ये बहुत शर्म की बात है। और आज अगर आप उन्हें समान काम के बदले समान वेतन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी विफलता है। लोग एकजुट हो चुके हैं और अपना हक लेके ही रहेंगे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अपने हक के लिए गुरु को, शिक्षक को इतना लड़ना पड़ रहा है। आप उनके घर की स्थिति नहीं जानते हैं। अगर आपको जानना है तो एक बार आपके बच्चे जो बड़े बड़े स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में या विदेशों में पढ़ते हैं, उन्हें एक बार सरकारी स्कूल में भेज के देखिए, या खुद आप 5 दिन के लिए एक किसी विद्यालय में जाकर पढ़ा के देखिए जहां पर वो नियोजित शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि एक गुरु, एक नियोजित शिक्षक आज जिस पोस्ट पे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, और जितनी सारी जिम्मेदारी पढ़ाई के साथ साथ आपने उन्हें दे रखी है, उसे किस तरीके से वो निर्वहन कर रहे हैं, और उन्हें कितनी कठिनाइयां हो रही है, उसके बावजूद भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनका उनका बस एक अधिकार है कि उन्हें एक गुरु दक्षिणा मिले, और वो जितनी जरूरत है उस हिसाब से मिले। समान काम वो कर रहे हैं तो उनके लिए उनको समान वेतन मिले, एक जैसा वेतन मिले, एक जैसा व्यवहार मिले। आप सोचिए, आप ही जिस पोस्ट पे हैं, उसी पोस्ट पे आप ही के समतुल्य कोई दूसरा लीडर हो, या अगर आप किसी भी, जिस भी फील्ड में हैं, आपके समतुल्य कोई दूसरा हो, वो आपसे 3 गुना 4 गुना वेतन उठाता हो, और आप भी वही काम करते हैं और आपको नहीं मिलता हो, तो आपको कैसा लगेगा? हालांकि अगर आप लीडर हैं तो आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप एक बार सोच के देखें। और उसमें भी ये चीज़ें शिक्षकों के बारे में बात हो रही है, और शिक्षा और स्वास्थ्य, जैसा कि मैंने कहा कि आज ही नहीं, शुरू से ही, जब से दुनिया में बहुत कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस समय से भी शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और उस शिक्षा के बदले जो शिक्षक हैं, उनको आप सही, उनका जो है, आप जो कह लीजिए, मैं तो उसे गुरु दक्षिणा कहूंगा, लेकिन सरकार उसे मजदूरी भी कह सकती है, तो वो मजदूरी भी आप नहीं दे पा रहे हैं एक गुरु को। तो ये काफी शर्म की बात है, और सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। दोस्तों, हमारे जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी बंधु हैं, कई दिनों से वो चाहे हड़ताल कर रहे हैं, या सड़क पे आए हुए हैं, या तरह तरीके से जो है
बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज यहां पे YouTube पे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, कि इंटरनेट आज की दुनिया में बहुत बड़ा माध्यम है अपना विरोध प्रकट करने का, सच्चाई बताने का और अपनी बात को पहुंचाने का। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर इस बात को जितना ज़्यादा हो सके आप एक दूसरे तक पहुंचाइए। और अगर आप खुद YouTube पे वीडियोस बनाते हैं या कहीं पर आपके पास ऐसी कोई पहचान है या ऐसी शक्ति है, चाहे वो इंटरनेट पे हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, तो कृपया #SupportNiyojitShikshak जरूर इसे आप आगे बढ़ाएं। और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके साथ इतना एक बार आप, अगर आप शिक्षक हैं तो आप बखूबी इस बात को समझेंगे, अगर आप शिक्षक नहीं हैं, आप किसी दूसरे पोस्ट पे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो जरूर हम सब समझते हैं कि हम सब भी एक शिक्षक के ही स्टूडेंट रहे हैं, चाहे वो आज पढ़े हो या चाहे आज से 15 साल 20 साल पहले पढ़े हो, हम लोग भी एक शिक्षक के ही स्टूडेंट हैं, हम लोग भी एक गुरु से ही पढ़े हैं। तो एक गुरु को अगर उनका हक नहीं मिल रहा है तो आज हम सबों को साथ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा और उनके सम्मान में, उनके प्रतिष्ठा में और उनके साथ उचित न्याय हो उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। काफी दुख है इस बात का कि हाई कोर्ट भी जिस चीज को सपोर्ट करता है, हमारी सरकार उस चीजों को भी नहीं मानती है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है। हालांकि इस तरीके की भी न्यूज आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया था, सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी थी, उसके बावजूद भी दोबारा सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है। हालांकि बहुत लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, मैं नियोजित शिक्षक नहीं हूं, लेकिन मैं एक शिक्षक का स्टूडेंट हूं और मैंने एक शिक्षक से ही अपनी विद्या पाई है और आज मैं जहां पर भी हूं एक शिक्षक की बदौलत हूं। इसलिए मैं दुनिया के, बिहार के ही नहीं, दुनिया के सारे शिक्षक का सम्मान करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। उनके लिए मेरे दिल में जो आस्था है, उनके लिए जो सम्मान है, वो हमेशा रहेगी। और ये चीज सरकार को भी सोचनी चाहिए कि पॉलिटिक्स बाद में है और आपका सब कुछ बाद में है, लेकिन एक गुरु के लिए जो उचित है अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस चीजों पर सबको अमल करना चाहिए। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जहां पर भी हैं, अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हैं तो जरूर #SupportNiyojitShikshak आप लोग जरूर इस पर वीडियो बनाइए, लोगों को बताइए। और अगर आप एक व्यूअर्स हैं तो जरूर इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और कन्विंस कीजिए, क्योंकि इंटरनेट बहुत बड़ा माध्यम है। जब हमारे शिक्षक, हमारे गुरु रोड पर उतरे हुए हैं तो अगर वो उस तरीके से विरोध प्रकट कर सकते हैं तो क्या हम इतना उनके लिए नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर से एक बार मैं सभी शिक्षकों को सैल्यूट करता हूं और आज भी जो गुरुजन हैं वो भी हमारे लिए गुरुजन ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।